हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज शाहिद पाशा और आप देख रहे हैं आरटीवी कर्नाटका। इस समय बेंगलोर में चित्रकला परिषद में, जहां पर फर्स्ट एडिशन इंडिया आर्ट फेस्टिवल लेके आया है, और मेरे साथ मौजूद है इंडिया आर्ट फेस्टिवल के डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर राजेंद्र पाटिल जी, और इस प्रोग्राम के बारे में ये ब्रीफ में बताने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आरटीवी कर्नाटका में सर। थैंक यू। इंडिया आर्ट फेस्टिवल पहली बार बेंगलोर में हो रहा है। इंडिया आर्ट फेस्टिवल वैसे तो मुंबई और दिल्ली में पिछले 12 साल से हो रहा है। हमारा इंडिया आर्ट फेस्टिवल का जो मिशन है वो तो एक मास्टर आर्टिस्ट के साथ में अपकमिंग यंग आर्टिस्ट और मिक्सरी आर्टिस्ट को साथ में लाना है, ये है। और दूसरी चीज़, 2 साल से पैंडेमिक की वजह से आर्टिस्ट भी इंडोर्स थे, बिकॉज एक्टिविटी जो है एग्जीबिशन की एक्टिविटी, उसमें क्राउड गैदरिंग लगता था, तो क्राउड गैदरिंग तो बंद ही था पिछले 2 साल से। तो दिस हियर इज़ अ ग्रेट एंथुजियाज्म। ये पहला साल है इंडिया आर्ट फेस्टिवल का बैंगलोर में, फिर भी यहाँ पे करीबन 85 स्टॉल्स है, और 85 स्टॉल्स में करीबन 400 आर्टिस्ट ने अपनी 3000 आर्ट वर्क्स लगाए हैं यहाँ पे, जिसमें पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, फोटोग्राफी है, सिरामिक्स है, कुछ इंस्टॉलेशंस भी लगाए हुए हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट एटमोसफेयर, ग्रेट एंथुजियाज्म, एंड दिस इज आवर फर्स्ट बिगिनिंग इन बैंगलोर, एंड वी विश टू मेक इट अ एनुअल इवेंट द वे इट इज़ एनुअल इवेंट। जैसा बॉम्बे में हर साल होता है, पिछले 12 साल से, दिल्ली में पिछले 7 साल से हर साल होता है, वैसे अभी इस साल से बेंगलोर में हम इंडिया आर्ट फेस्टिवल को हर साल कंटिन्यू करेंगे। और जो आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, ये पूरे इंडिया से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अगरतला से नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक, सारी गैलरीज भी है करीबन यहाँ पे 25 आर्ट गैलरीज ने पार्टिसिपेट किया है, और जिन्होंने मास्टर आर्टिस्ट लगाए, करीबन 100 मास्टर आर्टिस्ट के काम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यंग अपकमिंग मिड करियर आर्टिस्ट अलग अलग सेक्शंस में यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। और मैं चाहूँगा कि सारे दर्शक, ऑल आर्ट लवर्स, आर्ट एंथुसियास्ट, आर्ट राइटर्स आर वेलकम हियर। इवेंट इज़ ऑन, एग्जीबिशन इज़ ऑन टिल संडे एवरीडे फ्रॉम 11 to 8 PM। थैंक यू। सो दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कर्नाटक चित्रकला परिषद जो आर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर जो शो लगा हुआ है 5 मई यानी कि आज से 8 मई तक रहेगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी क्राउड महसूस हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे बायर्स, आर्ट लवर्स यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट आपके साथ मिलेंगे, और ढेर सारे काम, एक से एक काम आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इंडिया आर्ट फेस्टिवल का, राजेंद्र पाटिल जी का, जिन्होंने आर्टिस्टों को बहुत ही रीजनेबल प्राइस में स्टॉल प्रोवाइड किया है। और उसके साथ साथ, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दिल्ली में और बॉम्बे में इनके इंडिया आर्ट फेस्टिवल्स हमेशा होते रहते हैं, और मैं विश करता हूँ हमारे आरटीवी के जरिए और कमेंट्स बॉक्स में भी आप बताइएगा कि इंडिया आर्ट फेस्टिवल में और क्या क्या डेवलप होना चाहिए बैंगलोर में, और किस तरह से आप देखना पसंद करोगे। और इसके साथ साथ आप आरटीवी के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।
सब्सक्राइब आर टीवी कर्नाटक।